वो एक छोटा सा परिवार था जहाँ पर शांति और वरुण नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वरुण की राधा नाम की एक बहन थी और कीर्ति और बालू नाम के दो बच्चे थे। वरुण और शांति खेत का काम किया करते थे। राधिका घर संभालते हुए बच्चों का ध्यान रखा करती थी। वरुण की एक ही चिंता थी, अपनी बहन की अच्छे घर में शादी करा देना, इसीलिए वो पैसे भी जुटा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक एक अच्छा सा रिश्ता आया। बिना एक पल की देरी किए उन लोगों ने तय किया कि राधिका की शादी वहां करा देंगे। लड़के का नाम प्रसाद था। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। कभी कभी वरुण बच्चों को राधिका के घर ले जाया करता। बच्चे वहां पर अच्छा समय बिताया करते। दरअसल राधिका को बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए राधिका ने एक दिन अपने भाई से कहा, भैया कुछ दिनों तक बच्चे यहीं रहेंगे, रहने दीजिए ना भैया। भाई ने अपने बहन की बात मानी और कीर्ति और बालू को वहीं पर छोड़ वो अपने घर वापस लौटा। कीर्ति और बालू अपनी बुआ के घर बहुत मस्ती में रह रहे थे। राधिका भी उन्हें तरह तरह का खाना बनाकर खिलाया करती, पर ये सब राधिका के पति को नहीं भाता था। बच्चे कुछ दिन वहीं रुके थे। प्रसाद बच्चों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया करता था, इसीलिए राधिका कीर्ति और बालू को घर वापस छोड़ने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन पता चला कि राधिका पेट से है। उसने ये बात अपने पति को बताई। वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। ये बात वरुण को भी पता चली, वो भी बहुत खुश हुआ। दिन बीतते गए। समय के साथ प्रसाद को बुरी आदतों की लत लग गई और वो राधिका का ध्यान भी नहीं रख रहा था। ये बात वरुण को पता चली। अब राधिका पेट से है, उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, पर आप यूं शराब पीकर यहाँ वहाँ भटक रहे हो, ये सही नहीं है। इस बात का प्रसाद को बड़ा गुस्सा आया। तू होता कौन है मुझे ये सब बोलने वाला, हाँ मैं चाहे जो भी करूँ। वरुण भी इस बात से भड़क गया। आखिर तुमने मुझे समझा क्या है, हाँ अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जान से मार सकता हूँ। बात बढ़कर झगड़े का रूप ले लेती है। दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी राधिका वहाँ आ जाती है। भैया मैं आपसे विनती करती हूँ, ये मेरी जिंदगी है, जैसा भी है मैं संभाल लूंगी, आप फिर कभी यहाँ मत आइए। आज तूने ये क्या कह दिया बहना, समझो आज के बाद तुम्हारा भाई मर गया, ना मैं तुम्हारा दहलीज पार करूंगा और ना ही तुम कभी मेरे घर आना। वरुण वहाँ से दुखी मन से चला जाता है। राधिका भी इस बात से बहुत दुखी होती है। उसका भाई को ऐसे कहने के पीछे एक कारण था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति भाई को गुस्से में और भी बुरा भला कहे। वरुण की कही बातें प्रसाद के मन से जा ही नहीं रही थी, इसलिए उसने ठान लिया कि उसे मरवा देगा। और इसी योजना के तहत उसने एक आदमी को बुलाया और उससे कहा कि किसी तरह कार एक्सीडेंट कर उसे मरवा दे। एक दिन वरुण और शांति कहीं जा रहे थे, वो आदमी तेज कार चलाते हुए आकर उन दोनों को टक्कर मार देता है। उन दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। कीर्ति और बालू को जैसे ही ये बात पता चली वे दोनों वहाँ पहुँच गए। माँ, माँ, बाबूजी। राधिका को जैसे ही ये बात पता चली वो भी वहाँ पहुँच गई। भैया भाभी उठिए ना भैया। इस तरह वे तीनों रोने लगे। उसके बाद अंतिम संस्कार की सारी विधि हो गई। वे दोनों खुद को अनाथ न समझे, इसलिए राधिका उन्हें अपने साथ घर ले गई। अरे ओ तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इन दोनों को अभी के अभी घर से बाहर कर दो, वरना तुम्हें भी इस घर से बाहर जाना होगा। ऐसा कहकर वो राधिका की पिटाई करने लगा। फूफा जी बुआ को ऐसे मत मारिए ना, आप चाहते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों उसे विनती करने लगे। बुआ हम यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। राधिका ये सोचकर दुखी हो रही थी कि वो बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। भैया भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ। दूसरी ओर बच्चों के पास और कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो भिक्षाटन कर रहे थे। एक दिन प्रसाद ने उन्हें भिक्षा मांगते हुए देख लिया और वो मन ही मन खुश हुए जा रहा था। मुझसे पंगा लेने वालों का यही हश्र होगा। प्रसाद का व्यसन दिन ब दिन बढ़ रहा था। वो एक दिन अचानक बीमार पड़ गया।
जिस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राधिका हर रोज अस्पताल घर चक्कर लगाया करती। वो खुद भी पेट से थी। एक दिन वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। वहां राधिका की मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी उस ओर कीर्ति और बालू आ रहे थे। उन दोनों ने अपनी बुआ को देखा। बुआ, बुआ। फिर उन दोनों ने मिलकर अपनी बुआ को एक ठेले पर लिटाकर वहां से अस्पताल के लिए निकले। कीर्ति उसे ढो रही थी तो बालू उस ठेले को पीछे से ढकेल रहा था। जैसे तैसे उन दोनों ने राधिका को अस्पताल तक पहुंचा दिया। कुछ समय के बाद राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया। राधिका उन दोनों के साथ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। दो दिन होने के बाद राधिका के पति को सारी बात पता चली। वो रोते हुए बच्चों से बोला, आज अगर तुम दोनों नहीं होते तो मेरी पत्नी और बच्चा नहीं रह पाते। अपने गुस्से के चलते मैंने ही तुम्हारे माँ बाप को मरवाया था। इसी की सजा मुझे भगवान दे रहे हैं। आज मैं इस हालत में यहाँ इसीलिए हूँ। ऐसा कहते हुए प्रसाद ने अपने बच्चे को एक बार गले लगाया और चल बसा। ये देख राधिका फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बच्चे भी बहुत रोए। उसके बाद अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। राधिका अपने बच्चे के साथ बालू और कीर्ति को भी साथ लिए अपने घर चली जाती है। कठिनाइयों का सामना करते हुए उन तीनों का पालन करने लगी। गलती एक ने की लेकिन बर्बाद दो परिवार हो गए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो एक सुंदर सा गांव हुआ करता था, पर अब बाढ़ के कारण प्राण हानि और संपत्ति की हानि बहुत हो चुकी थी। घर घर जगह जगह पानी में डूबा हुआ था। जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी था। कई लोग गांव छोड़कर चले जा चुके थे, सिवाय एक परिवार के जिनके पास और कोई चारा नहीं था, और वो था शांति का परिवार। शांति का कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। तभी पानी में बहते हुए कीर्ति और बालू नाम के दो बच्चे उसके पास आए। उनके माता पिता बाढ़ में जान गंवा चुके थे, पर भगवान की कृपा से शांति ने उन दोनों को बचा लिया था। तब से वे दोनों उसी के पास रहते थे। वो तीनों वहीं पर एक लकड़ी के चकले पर रहा करते। शांति उन्हें जो खाने देती वो खाया करते। तब बालू ने पूछा, माई आप हमें कुछ ना कुछ बनाकर तो खिला ही देती है, पर पीने के लिए हमें ये गंदा सा बाढ़ का पानी पीना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसे मासूमियत से पूछा। बेटा भगवान की दया से कम खाने को तो कुछ है, वरना पता नहीं अपना क्या होता, ऐसे उसने दुखी होकर कहा। माई आप उदास मत होइए, बाढ़ का पानी जब सूख जाएगा तब हम कोई ना कोई काम कर अपना गुजारा करेंगे। कुछ देर बाद शांति ने कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं कुछ न कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर शांति उस चकली पर बैठकर तैरते हुए जाकर कुछ अनाज का बंदोबस्त करती है और खाना पकाकर उन दोनों को खिलाती है। बालू को अचानक हिचकियां आने लगी। बेटा जरा पानी पी लो, ऐसा कहकर उसने बाढ़ का पानी उसे पीने के लिए दे दिया और उन दोनों ने भी वही पानी पिया। कुछ दिनों के बाद पानी थोड़ा सूख जाता है, पानी उनके घुटनों तक आ गया था। उन तीनों ने मिलकर बकेट में पानी भर भर कर उसे घर के बाहर डालना शुरू किया। बहुत देर की मेहनत के बाद वो किसी तरह सारा पानी घर के बाहर डाल पाए। तब बालू ने कहा, अरे वाह आखिर हमने कर दिखाया, सारा पानी घर के बाहर, अब हम आराम से रह सकते हैं। हाँ माई अब हम पीने के लिए साफ पानी ला सकते हैं। हाँ पर वैसे भी बाढ़ का पानी हर जगह मिला ही होगा, फिर भी मैं देख आती हूँ। मीठा पानी हरा हो चुका होता है। अरे रे ये पानी तो बहुत गंदा है, पर अब कर भी क्या सकते हैं, इसे ही ले जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शांति जैसे ही नदी के पास पानी भरने गई, अचानक बिजली कड़की। हे भगवान लगता है फिर से बारिश होने वाली है, पता नहीं ये बारिश हमारा पीछा कब छोड़ेगी। वो मुड़कर वापस घर जाने के लिए जैसे ही निकलती है, पैर फिसलकर उस नदी में गिर जाती है। बचाइए कोई मुझे, बचाइए बचाइए कोई मुझे, वो मदद की गुहार लगाने लगी। इतने में बारिश तेज हो गई जिस कारण पानी का प्रवाह बहुत तेज हो गया
जिसमें शांति बहकर मर गई और उसकी लाश पानी में तैरने लगी। दूसरी ओर दोनों ही बच्चे घर पर शांति के आने का इंतजार कर रहे थे। वे घबरा रहे थे, फिर रोए जा रहे थे। इतने में बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि घर में फिर से पानी आ गया और वे दोनों फिर से चकले पर बैठ गए। भालू, हिलना मत, अच्छे से बैठना। अरे, तूने दरवाजा नहीं लगाया, अब अगर हम बहकर बाहर गए तो क्या करेंगे? ये ख्याल आते ही दोनों घबरा कर रोने लगे और जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। वे दोनों पानी के प्रवाह में बहते हुए बाहर चले गए। वे यूं बहते बहते बहुत दूर चले जाते हैं। पानी का बहाव उन्हें समंदर तक पहुंचा देता है। वहां पर बहते बहते वे अचानक समंदर के चक्रवात में खींचे चले जाते हैं और वे दोनों ही उसमें डूब जाते हैं। बालू ने आवाज लगाई, दीदी, 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 दीदी। दूसरी ओर कीर्ति ने अपने भाई को आवाज लगाई, बालू, बालू, बालू। उस जानलेवा चक्रवात ने दोनों ही बच्चों की जान ले ली। उन दोनों के ही शव पानी में तैर रहे थे। इस झटके से बालू की आंख खुल जाती है। वो सपने से जाग जाता है। दीदी, उसकी चीख सुन कीर्ति ने पूछा, क्या हुआ बालू? दीदी, मैंने बुरा सपना देखा कि बाढ़ में हम बह गए और मर गए। वो सपना नहीं, सच है बालू। हम सच में बह गए थे, पर हम उस चक्रवात में नहीं फंस पाए और बच गए। काश हम उसमें फंस कर मर ही जाते। कम से कम ऐसे अनाथ की जिंदगी जीकर हमें भीख नहीं मांगना पड़ता। कितनी क्रूर है ये बाढ़, जिसने हमारे माता पिता और शांति माई, जिसने हमारी मदद की थी, उन्हें भी खा गई। ऐसा सोचकर दोनों उदास होने लगे और उस दिन से उन दोनों ने भीख मांगकर अपनी जिंदगी बसर करनी शुरू की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।